इसमें छिपकली है और ये मैं पलक को देने वाली हूँ। और मैंने उसका छिपकली का शिकार किया है। इसने पकड़ी है ये। करना था वो सब हो गया और अब हम रेडी है, मैं और साथ में ये आत्माराम भिड़े। शट अप, यू शट अप। और अब ये हमारे फिट है। गाइस, सो वहां पर मैंने फोटो लिए और यहाँ से वहाँ बस मैंने घूमा और कुछ नहीं किया है और मैं इतनी थक गई हूँ ना वहाँ से, मतलब वो जो जगह है ना वहाँ से यहाँ आने में इतना चल कर आना पड़ता है कि थक जाते हैं। और पानी गर्म मत दे, ठंडा दे, मैं मर जाऊँगी वरना यहाँ पर। हाँ, और मैं अब इतनी थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ ना मैं कि क्या बताऊँ। सामने की तरफ ना सोमनाथ का मंदिर है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ ना तो वो बीच देख रही है, मेरी फ्रेंड के साथ आई हूँ ना तो उनकी कोई विधि विधि करनी थी तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। और हम लोग अभी बोटिंग पर गए थे ना, वो हम यहाँ पर गए थे और सिंगम टू है ना जो सिंगम रिटर्न्स उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये जो फार्म हाउस दिख रहा है, क्या
मिनट आप रुक जा, दो मिनट, हाँ दो मिनट। उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है, हम बोटिंग में ऐसे गए थे तो हम यहाँ से पूरा घूम कर और वापस से हम यहाँ आ गए। और यहाँ पर हमने हट जा बीच, और यहाँ पर हमने ना वो जो नहाना वाला जो भी किया ना वो हमने यहाँ पे किया। लेकिन यहाँ पे ना मेरा फ़ोन मतलब इसके मॉम के बैग में था, इसलिए यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन से शूट नहीं किया। लेकिन उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स तो होगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी। और ये हाँ, ये जो पानी है ना, यहाँ पर तीन समुंदरों का पानी एक जगह पर यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। और उस साइड वाला जहाँ पर है ना पानी, वो बिल्कुल ही खारा है ना, खारा ही बोलते ना, हाँ वो खारा है। और यहाँ पर ये मतलब आपको जो लहर दिख रही है ना, वो उसका मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ सीमा हो जाती है, वैसे वही सुन लो अभी तो, हाँ उसकी सीमा हो जाती है। तो वो ना खारा पानी है, और यहाँ पर जो भी दिख रहा है ना ये सब है ना मीठा पानी है, यहाँ पर नहीं आता। लेकिन हम पीते नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे सारे हवन कुंड और ये होते ना, तो उन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई। क्या क्या सुन रहे हो तुम, मेरी बातें सुन रहे हो? और यहाँ पर ना इतने क्या बोल रही है, हाँ और यहाँ पे इतना प्यार है, ये सारे पिजन्स है। और ये पानी ना बढ़ता जा रहा है, मतलब हम यहाँ पर आए थे ना तब ये पानी थोड़ा सा कम था, और लेकिन अब थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया है, हाँ। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से हम मंदिर जाएंगे। वेट वेट वेट, मेरा मुंह दिखाओ पहले। ओके, सो इतनी सारी स्पीच मेरे को आगे से नहीं देनी थी क्योंकि फिर मेरा मुंह, हाँ अब तो मैं काली होने वाली हूँ, इतनी मैं धूप में घूमी हूँ ना, गाय इतनी मैं धूप में घूमी हूँ और यहाँ पे धूप में रही हूँ ना मैं, कि मैं बिल्कुल ही काली होने वाली हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हमको बाद में घर ही रहना है, सो वाइट हो जाएंगे हम। और अभी तो मैं बिल्कुल मज़े कर रही हूँ, पर सामने गाय आ रही है, गाय पलक पलक गाय आ रही है, आ रही है, गाओ गाओ वट एवर, ओके वट एवर। तो हाँ अब हम जा रहे हैं जो मेन सोमनाथ का मंदिर है वहाँ पर, और सब मुझे देख रहे हैं पर वट एवर। वहाँ पर से ना मेरे मॉम ने बोला मेरे को तीन लड्डू के बॉक्स लाने के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छा आते हैं, इसलिए आप भी कभी आओ ना तो मगज के लड्डू, हाँ मगज के लड्डू ऐसे कुछ बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा आते हैं, तो आप भी आओ ना तो कभी ट्राई करना, ठीक है? ओके अब मिलते हैं बाद में, बाय बाय। मैं ब्लॉग बनाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हूँ ना, मेरे पैर में ये छिल गया है, दोनों साइड से शू बाइट हो गया है, लेकिन आई एम स्टिल ब्लॉगिंग फॉर यू। ये तो डालना ही होता है विश मांग के, लेकिन ये फाइनली अराइव्ड, बहुत ही भीड़ है जैसे कि देख सकते हो तुम, और हम यहाँ पे गर्मी में खड़े हैं, और फ़ोन मेरे को अंदर ले जाने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहीं से दिखा रही हूँ, तो मैनेज कर लेना, गूगल कर लेना फोटोज। और यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए महाकाल के भक्त, जो अपने सर पे महाकाल सोमनाथ महादेव लिखाकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और ये यहाँ की बाज़ार है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, ये ज्वेलरी है ना, वाह ये खिलौने संग वैसा, इसका तो रूप ही चेंज हो जाता है। चल चल के तो मेरे पैर की कड्डी बन गई है पूरी, चल चल के मेरे पैर की कड्डी बन गई है, इतना यहाँ से वहाँ चलना बहुत ही। वाह यहाँ पर कितनी सारी शॉप है, और ये बीच पर जा रहे हैं अभी हम, वहाँ पर मंदिर से जा निकल कर, और अब हम बीच पर जा रहे हैं। सिर्फ हम चार लोग ही आए यहाँ पर, ज़्यादा नहीं आए क्योंकि फिर ज़्यादा में ना बहुत झंझट हो जाती है, कोई यहाँ जा रहा होता है कोई वहाँ जा रहा होता है, और हम लोग पता नहीं बीच में फिस जाते हैं कि कहाँ जाना है हमको, इसलिए हम कम आए यहाँ पर। अब बेचारा गिरी, वाह यहाँ पे वो ऊँट भी है ना, घोड़ा है वो, ऊँट है और घोड़ा भी है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन भीड़ बहुत है भाई, दोस्तों चले।
leaves every day is a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the pool. From the editing camp and this trip almost took a place on 27 August और and आज है 8 September. So आप सोच सकते हो इतना सारा टाइम चला गया बीच में. तो वो मैं ये ट्रिप पर से आई, उसके बाद मैं बहुत ही बीमार हो गई थी. 3-4 दिन बस मैं बेड रेस्ट पर थी और कुछ भी नहीं किया मैंने. और यहाँ पर आने के बाद मैं काली भी हो गई हूँ, पता नहीं, वो तो मैंने इसमें बोला ही है कि मैं काली होने वाली, बट वॉट एवर, उसको साइड रखते हुए मैं बहुत बीमार थी. इंजेक्शन लेने पड़े, इसलिए मैं ना तो एडिट कर पाई ना ही कुछ. और मैं आई हूँ कल रात को 3:30 को, और क्योंकि मैं एक ट्रिप पर मैं गई थी, वो भी मेरी फ्रेंड की फैमिली के साथ ही गई थी. और इस बार हम गए थे नवार अनुजा, सो वो वाला व्लॉग भी जल्द ही अपलोड होने वाला है. सो उसके लिए आप जल्दी से बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए. और कल मैं जा रही हूँ अहमदाबाद, अभी बजे और रात के 3 बजने वाले हैं. सो ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करते रहिए, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए. और लास्ट टाइम आपने कमेंट किए थे, वो मैंने पढ़े, मुझे बहुत ही अच्छे लगे. और थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए. ओके, बाय बाय, लव यू ऑल.